हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल गाइस। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो भाई लोगों, आज हम लोग वीडियो में बात करने वाले हैं ज़ेप्टोस के बारे में गाइस। तो ज़ेप्टोस कैसा दिखने में होता है, और गाइस आई एम रियली सॉरी प्रोनंसिएशन के लिए। सो ओके, तो अभी मैं ज़ेप्टोस दिखाता हूँ गाइस। दिस इज ज़ेप्टोस एंड दिस पोकेमॉन इज रियली ऑसम। तो अभी मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, ये पावर अप कितना हो सकता है। लेट मी चेक कितना ये पावर अप हो सकता है, क्योंकि जो वीडियो है गाइस ये थोड़ा सा, मतलब मैं आपको बताने वाला हूँ सारे इसके पैरामीटर्स लेकर मैं वीडियो बना रहा हूँ गाइस, कि कौन सी लीग के लिए बेस्ट रहेगा ये। और गाइस इस वीडियो में बात करने वाले हैं बहुत सारी चीज़ों, बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करेंगे हाउ वी कैन गेट दिस पोकेमॉन, हाउ वी कैन गेट ज़ेप्टोस ओके इन पोकेमॉन गो। आफ्टर दैट हाउ वी कैन पावर अप, what are the best moveset, what are the weaknesses, how we can catch him, and अगर raids होती है तो how we can encounter Zapdos। So guys, ये सारे topic पर हम बात करेंगे। और आप लोगों से ये request रहेगी कि वीडियो को भाई बिल्कुल ध्यान से पूरा देखना है, और चैनल पर अगर नए हो तो भाई सब्सक्राइब बहुत इंपॉर्टेंट है guys फ़िलहाल के लिए। और इसको मैंने पावर अप एक बार भी नहीं किया, ये किस्मत थी हमारी जो कि 1501 से भी का है guys। आई डोंट नो वाई मैं इतना लगी क्यों यार, कई बार मुझे लगता है भगवान ये क्यों 1500 का रखते गाइस। तो ये शेडो वाला है गाइस, तो ये मुझे कैसे मिला इसके बारे में भी वीडियो में बताएंगे गाइस। सो गाइस लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो भाई लोगों, ज़ेप्टोस कैसे मिलेगा, सबसे पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा बता देते हैं गाइस। तो अभी की बात नहीं है गाइस, ये ज़ेप्टोस पोकेमॉन गो में बहुत तरीके से आ चुका है और ये आता रहता है गाइस, ठीक है। तो रिसर्च हो गई आपकी, ब्रेक थ्रू रिसर्च हो गई, इवेंट्स हो गए, तो इनमें आपको ज़ेप्टोस मिलता रहता है गाइस, कोई बड़ी बात नहीं है गाइस। बट अभी नहीं मिल रहा है तो इट्स ओके। बट गाइस जैसे कि ये मंथ चल रहा है सितंबर 2020 ओके, तो सितंबर 2020 का ये महीना चल रहा है गाइस, और 25 सितंबर को ये पोकेमॉन आ रहा है इंडिया में। तो ये 26 को आएगा गाइस, 26 को रात में 1:30 बजे इंडिया में आ जाएगा। वर्ल्ड वाइड ये आ रहा है गाइस 25 सितंबर 2020 1 PM, जो कि GMT7 है, कन्वर्ट कर लेना जो भी होता है गाइस, इतना बता नहीं पाऊंगा मैं ओके गाइस। तो हाउ टू कैच ज़ेप्टोस, यू हैव टू गो टू रेड, रेड्स होने वाली है गाइस कुछ ही दिनों में होने वाली है। तो रेड्स करना है गाइस, तो रेड्स के लिए हम लोगों को चाहिए कि इसको हम लोग इनकाउंटर कैसे करेंगे, कैसे हम लोग इसे पंगे लेंगे गाइस। तो बेस्ट पोकेमॉन क्या रहेंगे मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा, वो आप लोग खुद देख लेना गाइस क्या बेस्ट पोकेमॉन इसके सामने रहेगा गाइस। मैं आपको सिर्फ यहाँ पर एक चीज बताने वाला हूँ गाइस, कि ये जो पोकेमॉन है वो है इलेक्ट्रिक टाइप। तो दिमाग घुमाओ और सोचो इलेक्ट्रिक टाइप की वीकनेस क्या होती है। बट गाइस थोड़ा सा रुकना पड़ेगा, क्योंकि ये पोकेमॉन दो, मतलब इसमें दो टाइप्स हैं गाइस, इलेक्ट्रिक प्लस फ्लाइंग टाइप। सो गाइज अगर आप सोच रहे हो इलेक्ट्रिक टाइप की वीकनेस ग्रास टाइप होती है, तो मतलब ठीक है, अच्छी बात है, बट ग्रास टाइप इसके सामने टिक नहीं पाएगा क्योंकि ये फ्लाइंग टाइप भी है। तो गाइज अभी ज़ेप्टोस, ये ज़ेप्टोस है गाइज ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक एंड फ्लाइंग टाइप है, प्राइमरली इलेक्ट्रिक टाइप है और फिर फ्लाइंग टाइप है। तो गाइज फ्लाइंग टाइप है, तो इसकी सबसे बढ़िया वीकनेस गाइज बताया गया है गाइज, फ्लाइंग और इलेक्ट्रिक की सबसे मतलब कॉम्बिनेशन वाली जो वीकनेस है गाइज वो ये है आइस एंड रॉक टाइप। अगर आपके पास कोई पोकेमॉन ऐसा है जो कि आइस टाइप है, प्योरली आइस टाइप पोकेमॉन है गाइस, आप उसको यूज़ कर सकते हो। फिलहाल अभी आर्टिकोनो की रेट चल रही है गाइस, अगर आर्टिकोनो आपने भर रखे हैं ना तो आर्टिकोनो की फोर्स लेके जा सकते हो गाइस। और रॉक टाइप पोकेमॉन मतलब ये नहीं कि रॉक टाइप होना चाहिए, रॉक टाइप तो ओके है गाइस, साथ ही साथ के पास रॉक अटैक्स भी होने चाहिए कि वो रॉक अटैक कर सकें गाइस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो अगर मैं यहाँ सर्च करूँ रॉक लिख के गाइस रॉक, तो यहाँ पर रॉक टाइप में मेरे पास कुछ पोकेमॉन्स है गाइस। अब जैसे कि मेरे पास है ट्राइनेटर गाइस, तो ये ट्राइनेटर रॉक टाइप पोकेमॉन है, डार्क टाइप है, बट इसको रेड में लेके जाना मतलब कुछ खास काम नहीं आएगा, क्योंकि इसके जो अटैक्स हैं वो रॉक टाइप नहीं है गाइस। तो हमें वो पोकेमॉन चाहिए जिनके पास अटैक्स हो रॉक टाइप गाइस। गीगालिथ, इसके पास स्मैकडाउन है गाइस, स्मैकडाउन इज ओपी, दूसरा सुपर पावर है, उसको हम चेंज करके रॉक टाइप अटैक कर लेंगे अगर मिल जाएगा तो। और गाइस यहाँ पर मैं गोलम भी यूज़ कर सकता हूँ गाइस, रॉक थ्रो स्टोन एज, दोनों भाई खतरनाक अटैक है गाइस। उसके बाद मैं एग्रोन यूज़ नहीं कर सकता गाइस,
क्योंकि एग ग्राउंड स्टील टाइप भी है, स्टील टाइप झटके से नहीं पाएगा बिजली के। तो बाकी अटैक तो इसके अच्छे हैं गाइस। टेरोकियन, टेरोकियन इज़ बेस्ट फॉर दिस पोकेमोन। तो इसका स्मैकडाउन है, दूसरा अटैक चेंज करना पड़ सकता है। तो ये हो गया रॉक टाइप, कुछ पोकेमोन दिखा दिया आपको। वहीं पर अगर आप आइस टाइप लेके जाओगे गाइस, तो आइस टाइप में आपके पास ग्लेशियन आ गया। ग्लेशियन काफ़ी अच्छा पोकेमोन है गाइस, तो ये ऐसा होता रहता है। तो आ आइस टाइप प्योरली आइस टाइप पोकेमोन ले आ सकते हो। ग्लेरियन डारूमुखा का विकसित रूप, इवॉल्व रूप भी लेके आ सकते हो गाइस। तो सिंपली आप समझ गए गाइस, आने वाला है। अगर आपको रेट्स में पार्टिसिपेट करना है गाइस, तो भाई देख लेना, ज्वाइन बटन नीचे, यू कैन ज्वाइन अवर मेंबरशिप, मेंबरशिप विल हेल्प यू, प्रॉमिस। सो गाइस बात करते हैं, अगर आप रेड्स में जाते हो तो उसका वेदर बूस्ट क्या होगा गाइस। तो वेदर बूस्ट के लिए गाइस वही है अपना, तो विंडी वेदर हो गया आपका। तो विंडी वेदर पता कैसे लिया गाइस, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे छाता बना हुआ है, ठीक है। छाते पे क्लिक करने का है, तो यहाँ पर रेनी वेदर है गाइस। तो रेनी वेदर में आप देख रहे हैं बीच में क्या लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिक। तो मतलब अगर रेनी वेदर भी होता है तब भी आप जेडोस पकड़ोगे तो आपको वेदर बूस्ट ही मिलेगा गाइस। और विंडी वेदर होगा तो भी आपको वेदर बूस्ट मिलेगा। तो मतलब ध्यान रखना है, या तो रेनी वेदर होना चाहिए या फिर विंडी वेदर होना चाहिए गाइस। ओके गाइस, तो ये थोड़ा एडिशनल मैंने बोल दिया इस वीडियो में गाइस, और बाकी मैं वीडियो बनाऊंगा जिस दिन पकड़ूंगा गाइस। और अगर आपको पोकेमोन पकड़ने में दिक्कत है तो गाइस यहीं पर मैं आई बटन पे वीडियो लगा दूंगा, जिसको आप एट द एंड ऑफ द वीडियो देख लेना गाइस। जब वीडियो ख़त्म हो तो एक बार आई बटन चेक कर लेना, वहाँ पर आपको चल जाएगा पता कि पोकेमोन कैच कैसे किया जाता है। बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम होती है, कैच नहीं कर पाते। सो गाइस अभी मैंने आपको बताया कि इसकी वीकनेस क्या है गाइस, ठीक है। तो वीकनेस में मैंने बताया कि इसकी है रॉक टाइप और आइस टाइप वीकनेस है गाइस। और जैसे कि वीडियो के स्टार्टिंग में बताया नहीं, बता दूंगा। तो गाइस वीकनेस तो इसकी मैंने बता दी आपको क्या है, रेजिस्टिविटी क्या है, मतलब किन किन अटैक्स को झेल सकता है गाइस। तो सबसे पहले स्टील अटैक को झेल लेगा, जो भी स्टील अटैक पड़ेगा उसको ये ओपी है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। स्टील, ग्राउंड, ग्रास, फ्लाइंग, फाइटिंग और बग, ये सारे अटैक झेल लेगा गाइस। तो इसीलिए अपना गीगालिथ इसीलिए फेल होगा, क्योंकि गीगालिथ के पास फास्ट, मतलब जो फास्ट अटैक था उसका, वो तो उसका स्मैकडाउन था, बट दूसरा सुपर पावर था, सुपर पावर कोई असर नहीं होगा इस पर। तो गाइस अब बात करते हैं, अगर आपने उसको वेदर बूस्ट पकड़ लिया गाइस, तो आपको मिल जाएगा 2000 सीपी तक का मिल सकता है गाइस, या फिर थोड़ा ज़्यादा मिल जाएगा। तो उसको हम लोग पावर अप कैसे करेंगे गाइस, तो जैसे कि लेजेंडरी पोकेमोन है, लेजेंडरी पोकेमोन को बड़ी बना के पावर अप करना एक, मतलब एक अलग ही, मतलब समझ जाओ यार, बहुत मुश्किल काम है। बट हम लोग उसको उससे कई ज़्यादा ईजी में पावर अप कर सकते हैं, वो है रेयर कैंडीज। हम लोगों को रेयर कैंडीज इकट्ठी करनी पड़ेंगी, जो कि सारी की सारी इसको एक साथ देनी पड़ेंगी गाइस, या फिर एक एक करके भी दे दो। रेयर कैंडीज कैसे मिलती हैं गाइस, तो रेयर कैंडीज के सोर्स के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, वो आप चेक कर लेना आई बटन पे गाइस, बट लास्ट में करना है, अभी इतनी जल्दी नहीं, पूरी वीडियो देखो गाइस। तो गाइस अब बात करते हैं कि अगर आप लोगों ने पकड़ लिया जेबडोस, जेबडोस पकड़ लिया, तो जेबडोस के बेस्ट मूव सेट क्या होना चाहिए गाइस, क्या लगता है? तो यहाँ पर मेरे पास तो बेस्ट मूव सेट नहीं है गाइस। और एक बात और है गाइस कि हम लोग इसको कौन सी लीग में यूज़ करेंगे गाइस, तो मेरी ख्याल से इसके जो सबसे बेस्ट लीग रहेगी इसके लिए गाइस, वो है मास्टर लीग गाइस। बाकी आप इसको ग्रेट लीग में भी यूज़ कर सकते हो, अल्ट्रा लीग में भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बट गाइस मास्टर लीग में थोड़ा बेटर रहेगा, टोकिस हो गया, क्योगरी हो गया, म्यूटू हो गया, मेटाग्रॉस हो गया, डार्कराई हो गया, इन सबको ये मतलब लपेट में ले सकता है, ईजिली ले सकता है गाइस। तो गाइज अगर बेस्ट मूव सेट की हम बात करें, तो मेरे पास जो अटैक्स हैं वो बेस्ट नहीं है गाइज, ठीक है। तो इसका एक फास्ट मूव है गाइज, जो कि है थंडर शॉक। थंडर शॉक के लिए हम लोगों को एलाइट फास्ट टीएम चाहिए गाइज। अगर मुझे मिलता है एक अच्छा आईवी का जेडडोस, तो पक्का मैं उसमें लगा दूंगा भाई, फास्ट टीएम लगा दूंगा, एलाइट फास्ट टीएम, ओके गाइज। और अगर हम बात करें चार्ज के बारे में, तो चार्ज मूव सेट में सबसे बेस्ट अटैक गाइस का ये है, वो है, मैं लिख दूंगा, ड्रिल पिक और थंडर बोल्ट। तो हमारे पास तो फ्रस्ट्रेशन है, फ्रस्ट्रेटेड है बंदा गाइस। तो ड्रिल पिक है वो गाइस एक फ्लाइंग अटैक है, जो कि मतलब काफ़ी इफेक्टिव है बहुत सारे पोकेमोन्स पे, फाइटिंग टाइप हो गया, ग्रास टाइप हो गया, इन पर मतलब काफ़ी अच्छा वर्क करता है। वही थंडर बोल्ट जो कि इलेक्ट्रिकल टाइप अटैक है, जो कि स्टील टाइप हो गया, और भी बहुत सारे पोकेमोन है, वाटर टाइप हो गया, टू चार्म टाइप पोकेमोन होंगे, फेरी टाइप पोकेमोन होंगे, उन पर एक अच्छा
इम्पैक्ट डालेगा गाइज। तो बेस्ट मूव सेट हो गया भाई थंडर शॉक, ड्रिल पिक, थंडर बोल्ट। तो ये इसके कुछ बढ़िया मूव सेट हैं गाइज। बाकी एंशिएंट पावर भी लोग यूज़ करते हैं काफ़ी, थंडर भी यूज़ करते हैं, मैं रिटर्न भी यूज़ कर सकता हूँ, बट वो सब बहुत लंबे प्रोसेस में जाएंगे गाइज। तो भाई लोगों अभी तो इस वीडियो में इतना ही है, बेस्ट मूव सेट के बारे में बता दिया गाइज, बस वेट करना है आने वाला है रेट्स में जल्दी जल्दी। अगर आप लोग अभी वीडियो देख रहे हैं सितंबर में तो ओपी है गाइस, अगर आप बाद में देखते हो तो बिल्कुल निराश नहीं होने का, क्योंकि ये एक लेजेंडरी पोकेमोन है जो कि मतलब मिलता रहता है, इजीली मिलता रहता है गाइस। तो गाइस अब मैं बता देता हूँ कि ये पोकेमोन मुझे कैसे मिला है गाइस। तो आप सोचोगे मुझे ये टीम गो रॉकेट से मिला है, तो गाइस ये टीम गो रॉकेट से नहीं मिला है मुझे, बट टीम गो रॉकेट के पास थे ये पोकेमोन, बट मेरे को वहाँ से मिले नहीं है ये। तो ये मुझे मिला कैसे वो बताता हूँ गाइस आपको, बहुत सिंपल तरीका है। तो हर साल एक इवेंट होता है जिसको बोलते हैं गो फेस्ट, तो गो फेस्ट की मैंने टिकट ली थी इस बार। तो वहाँ पर जो सेकेंड डे था 26 जुलाई आई थिंक, तो 26 जुलाई को गाइस क्या हुआ था कि 26 जुलाई को सेकेंड डे पे जो मेन थीम था वो था टीम गो रॉकेट का थीम था गाइस। तो उसमें हम लोग को टीम गो रॉकेट से बैटल्स करनी थी, तो वहाँ पर रिसर्च थी गाइस, उन रिसर्च को सॉल्व करने पे कंप्लीट करने पे रिवॉर्ड्स मिल रहे थे, तो उनमें मुझे ये भी एक रिवॉर्ड मिला था गाइस। तो दिस इज़ अ शैडो ज़ेब्डोस, और शैडो ज़ेब्डोस काफ़ी बढ़िया है, बट नॉर्मल फंगस ज़ेब्डोस फिलहाल अच्छा वर्क करेगा गाइस। सो गाइस आई होप यू एंजॉय द वीडियो गाइस। अभी लास्ट में फिर से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ गाइस, फटाफट से गाइस हम लोग टारगेट के बहुत क्लोज हैं गाइस, तो फटाफट से गाइस सब्सक्राइब कर दो गाइस, क्योंकि ग्रोथ करनी है जल्दी जल्दी करनी गाइस, जल्दी जल्दी करो गाइस। आप लोग देखते हो वीडियो, सब्सक्राइब नहीं करते हो, मुझे पता है गाइस, सब चलता है पता है, तुम लोगों को पता है, तुम में से बहुत सारे लोग यूट्यूब के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, तो चल जाता है पता कि कितने लोग देख रहे हैं कितने लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो गाइस ये रिक्वेस्ट मान लो एक, और भाई भाई समझ के सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, जो करना है करो गाइस, शेयर करो, और गाइस कमेंट जरूर किया करो गाइस, पूछा करो, कोई डाउट हो जरूर पूछा करो गाइस। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे गाइस, बाय बाय। और गाइस चलते हैं फिर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।